हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल की जो न्यूज़ छपी थी कि जो काउंसलिंग जो होगी वो एक दिवसीय होगी, यानी कि एक ही दिन में जो है सारे ब्लॉक की जिला की मतलब जो भी काउंसलिंग है जो एक दिन में कंप्लीट करने का जो है बिहार सरकार के अंतर्गत जो काम करते हैं शिक्षा विभाग, उन्होंने जो है सोचा है कि जो है हम लोग जो है एक ही दिन में जो है पूरी काउंसलिंग जो है निपटा लें। तो काफ़ी अच्छा विचार है, उसमें कुछ बातें भी जो है महत्वपूर्ण लिखी थी जो हमने जो है आपको जो है अपने पिछले वीडियो में बताई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो है एक ही दिन काउंसलिंग जो है कंप्लीट अगर कराई जाती है तो इससे अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी फायदा होगा और कम अंक वाले अभ्यर्थियों का भी जो है नियोजन संभव हो सकेगा। तो इसी सब मुद्दों पर जो है आज का जो वीडियो जो है केंद्रित है कि क्या जो एक दिवसीय जो काउंसलिंग होगी, जो एक ही दिन जो काउंसलिंग सारे ब्लॉक में कराई जाएगी, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जो काउंसलिंग होनी है वो ब्लॉक स्तर पर जो है सुनने में आ रही है कि ब्लॉक लेवल पर जो है काउंसलिंग होगी, और इससे पहले की जो काउंसलिंग हुई थी वो जिला स्तर पर हुई थी। तो सरकार का जो ये प्रयास है कि एक ही दिन में जो है सारी काउंसलिंग करा ली जाए ब्लॉक स्तर पे कैंप लगा करके, और अभी तक जो है ये मतलब ये औपचारिक निर्णय नहीं है, ये अनऑफिशियल ही है, क्योंकि इसको लेकर के ब्लॉक स्तर का कैंप लगाने के को लेकर के या फिर जो है आपका जो कल न्यूज़ छपी थी कि एक दिवसीय काउंसलिंग लेकर, इसका कोई औपचारिक निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि इसमें जो है सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाती है और एक दिन में जो है सारी काउंसलिंग कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं इसी के ऊपर कि एक दिवसीय काउंसलिंग से जो है क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और ये मतलब मेरे अनुभव के आधार पे है, या आप कह सकते हैं कि मेरा एक जो है विचार है जो मैं आप लोगों के सामने जो है अपना विचार जो है प्रकट करना चाहता हूँ कि जो एक दिवसीय काउंसलिंग होती है उसका जो फायदा है तो वो सरकार को क्या फायदा होगा और इसका अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा, इसको जो है दो पक्ष के रूप में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है सरकार का ही पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि भाई सरकार जो है प्राथमिक सरकार है और शिक्षा विभाग की बात करना ही जरूरी है सबसे पहले। तो शिक्षा विभाग का जो न्यूज आया था पेपर में छप करके, उसमें यही कहा गया था कि एक दिन काउंसलिंग कराने में क्या होगा कि जो है सारे अभ्यर्थियों को जो है एक साथ जो है मौका मिल जाएगा और इसमें जो कम अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी नौकरी मिलने की जो है संभावना जो है बढ़ जाएगी, ऐसा जो है मतलब शिक्षा विभाग सोच रहा है। लेकिन अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो क्या ये संभव है? अगर टेक्निकल तौर पे इसको हम देखते हैं, क्योंकि आप जो है ब्लॉक स्तर पे जब कैंप लगाएंगे और एक ही दिन जो है सारी काउंसलिंग कराएंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको एक ही दिन जो है मैनेज करनी होगी, और एक दिन मैनेज करने का मतलब है कि अभ्यर्थियों के ऊपर जो है काफ़ी भार पड़ सकता है, क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जो है किस कैंप में जाकर काउंसलिंग कराएं, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है कई जगह आवेदन किया हुआ था, ऐसा भी न्यूज़ में दिया था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन जो है कई जगह किया है, तो उनको जो है सिलेक्शन करना होगा कि कहाँ पर उनको जाना है। और खास तौर से जो एक दूसरी काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है सरकार का, वो इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी जो है आवेदन करने वाले हैं वो कई जिलों में जो है कर चुके हैं। तो सरकार और शिक्षा विभाग मतलब ऐसा ही सोचता है कि जो है अगर हम एक दिन काउंसलिंग कराएंगे तो कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एक ही काउंसलिंग कैंप में पहुंचेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक ही दिन जो है काउंसलिंग कराई जाएगी तो बिल्कुल ये कन्फर्म है कि कोई भी अभ्यर्थी, चाहे हाई मेरिट हो चाहे लो मेरिट हो, वो एक ही दिन जो है कैंप में जो है पहुंचेगा और एक ही कैंप में पहुंचेगा। यानी कि सारे जगह जहां उसने जो है मान लिया 40-50 आवेदन किए हुए हैं, 100-200 आवेदन भी लोगों ने किए हैं, तब वो 100-200 जगह नहीं जाएगा या 40-50 जगह ना जा करके सिर्फ एक ही कैंप का सिलेक्शन करेगा। और यहीं पर जो है अगर ये सरकार के पक्ष के हिसाब से तो ठीक है, ये बात जो है सही है कि जो हाँ वो एक ही जगह जाएगा, क्योंकि सरकार ऐसा बता रही थी कि अभी तक जो है जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो अपनाई गई थी उसमें क्या हो रहा था कि बार बार जो है अभ्यर्थी जो है अपना जो है कैंप काउंसलिंग सेंटर जो है बदल लेते थे, आज एक जगह काउंसलिंग कराई फिर अगली तिथि में या अगली डेट में जो है दूसरी जगह जहाँ काउंसलिंग होनी थी वहाँ काउंसलिंग कराई गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको जो है बता देता हूँ कि पाँचवें चरण में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या हो रहा था कि जब आप काउंसलिंग कराने जाते थे और 1 बजे के बाद जब रजिस्टर जो होता था क्लोज हो जाता था, तो जो अभ्यर्थी रूम में बैठे रहते थे उनकी काउंसलिंग कराने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो जमा करा लिए जाते थे। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते थे तो इसका मतलब ये होता था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो इसका मतलब कि आपका नियोजन बिल्कुल 100% जो है पक्का है, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट जमा हो गया और नियोजन आपका 100% पक्का हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेगा ही नहीं तो आप अगली डेट में जो है कहाँ जाएंगे काउंसलिंग कराने, ये तो मतलब संभावना बिल्कुल जीरो थी कि जो है कोई अगली जगह जो है जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट जो है जाँच के लिए जो है नियोजन इकाई द्वारा जो है रख लिए जाते थे। और ये तर्क जो है शिक्षा विभाग ने अभी जो न्यूज़ थी जो पेपर में न्यूज आई थी एक दूसरी काउंसलिंग को लेकर, उसमें ये कहा गया था कि इसमें फ़ायदा यही होगा एक दूसरी काउंसलिंग में कि जो है जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही जगह जो है काउंसलिंग कराएंगे, आप वो बार बार जो है अपना कैंप का जो स्थल है अगली डेट आने पर बदल नहीं सकते हैं, इसलिए एक दिवसीय काउंसलिंग कराया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5वें चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यही हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स जो है नियोजन इकाई जो है जमा करा लेती थी और
डॉक्यूमेंट आपका जमा होने का मतलब यही था कि आपकी जो नौकरी है वो 101% जो है मतलब मिल गई है, और वो डॉक्यूमेंट जांच होने के उपरांत ही आपको जो है वापस किए जाते थे। तो सरकार की एक बात तो ये बिल्कुल गलत हो गई कि जो है पहले जो काउंसलिंग लोग कराते थे तो आज यहाँ करा लिए फिर अगली डेट में कहीं और करा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब नहीं होता था, और ऐसा अगर कहीं कहीं देखने के लिए मिला भी होगा तो वो एक ही आधार था उसका कि नियोजन इकाई के जो कर्मचारी थे वो पैसा लेकर के जो है डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको जो है दे देते थे और वो जाकर दूसरी जगह काउंसलिंग करा लेते थे, यानी अपने नज़दीकी जिला में करा लेते थे, और उससे पहले जो कराते थे वो कहीं भी जाके बाहर या दूर जिले में कराते थे तो पैसा देकर डॉक्यूमेंट्स निकाल लेते थे, ऐसा भी जो होता था। तो ये ऐसा केस जो है बिल्कुल ना के बराबर था, 1.5% के ऐसे देखने को मिलते थे, नहीं तो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करा लिए जाते थे काउंसलिंग केंद्र पर ही। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल जो है मुझे नहीं लगता कि बात बिल्कुल सही है सरकार की कि अगला अभ्यर्थी उठेगा और फिर दूसरी जगह काउंसलिंग करा लेगा, इसलिए हम एक दिन में काउंसलिंग करा रहे हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो है जमा करा लिए जाते थे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता था, कोई अगली डेट में कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकता था, और वैसे उसकी नौकरी हो जाती थी तो वो नहीं जाता था। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो है शिक्षार्थियों अभ्यर्थियों के हिसाब से जो अभ्यर्थी हैं उनको इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, ये तो एक सरकार की बात होगी, सरकार को फायदा यही है कि एक दिन में काउंसलिंग कंप्लीट करा लेंगे और अभ्यर्थियों का जो है मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी नज़र में अपना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन इससे अब अभ्यर्थियों को जो प्रॉब्लम होगी वो अब आप समझ लीजिए, अभ्यर्थियों को जिसमें प्रॉब्लम होने वाली वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मेरिट लिस्ट जिसका हाई है उसको तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है जिसका हाई है उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसका जो है मेरिट जो है तकरीबन 70 से 60 के बीच में बन रहा है, ठीक है, यानी 70 से 60 या आप 70 से 65 के बीच में भी अगर जो है किसी का जो है मेरिट लिस्ट बन रहा है तो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और जो हाई मेरिट वाले हैं एक बार उनको भी सोचना पड़ेगा, लेकिन उनको उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट अगर हाई है यानी कि जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जो है हाई बना हुआ है जिनके अच्छे नंबर हैं उनको भी एक जगह सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब जो है सीटों के सापेक्ष जो है अगर देखा जाए तो मान लिया कि किसी जो है नियोजन इकाई में जो है 50 सीट है, मान लिया यूआर की 50 सीट है, ठीक है, और कोई 50 क्रम के अंदर आ रहा है, यानी कि यूआर की सीट अगर 50 है और 50 ही अभ्यर्थी जो है यूआर क्रम के अंदर जो आते हैं तो एक दूसरी काउंसलिंग अगर कराई जाएगी तो वो 50 जो अभ्यर्थी हैं उनको उस 50 सीट पे ही जाना होगा। ठीक है, और वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो 50 अभ्यर्थी वहां पे जाएंगे क्योंकि वो 50 सीट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो है लो मेरिट वाला वहां जाएगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी हाई मेरिट है वो अभ्यर्थी अब अपनी सीट पकड़ लेगा। ठीक है, यानी सरकार जो चाहती वही होगा कि सरकार यही चाहती है कि आप अपनी एक सीट पकड़ लीजिए और जहां भी हैं वहां जम जाइए। तो यही होगा, हाई मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी सीट जो है पकड़ लेंगे और उस सीट को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जब उस सीट को कहीं छोड़ेंगे नहीं तो जो है अब जो स्थिति जो है पैदा होगी वो जो है लो मेरिट वालों के लिए होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी काउंसलिंग में जब ये मान के चला जाएगा, मान के क्या चला जाएगा कि यही जो लो मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यही मान के चलेंगे कि जब हमारा जो है 50 सीट के अंदर मेरा जब क्रमांक ही नहीं आ रहा है, मैं जब 200 नंबर क्रमांक पे हूँ और सीट 50 ही है तो मुझे वहाँ काउंसलिंग करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाई मेरिट वाले तो वो सीट पकड़ लेंगे अपनी। ठीक है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कहीं और भी उन्होंने जो आवेदन कराया हो सकता है वो 50 सीट से जो है बाहर हों, यानी 60वें क्रमांक पे हों। ठीक है, तो कोई मान लिया कोई 50 के अंदर है किसी नियोजन इकाई में, कहीं 60वें क्रमांक पे है, ये भी होता है, कहीं कहीं वो 100वें क्रमांक पे है, तो क्या करेगा? वो यही करेगा जो है वो जो है 60 और 100 वाला क्रमांक छोड़ देगा, वो 50 के अंदर जहां सीट के अंदर आ रहा होगा वहीं वो अभ्यर्थी जाएगा, बिल्कुल ये फिक्स है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सीट जो है वो फिर बचेंगी, आपकी सीटें जो हैं बच जाएगी क्योंकि हाई मेरिट वाले ही अभ्यर्थी अपनी सीट पकड़ के चलेंगे और लो मेरिट वाले जो अभ्यर्थी वो ये मान के चलेंगे कि जब मैं क्रमांक से बाहर हूँ और वहाँ 10 ही सीट है या 50 सीट है तो मैं वहाँ कैसे काउंसलिंग कराऊँ। सबसे बड़ी बात यही है कि एक दिवसीय जो काउंसलिंग होगी इसमें सबसे बड़ा पेच यही फंसने वाला है कि जो लो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में रहेंगे कि जब वहाँ पे 10 ही सीट है तो मैं कैसे जाऊँ और मेरा जो क्रमांक है वो 1000 के ऊपर है या 500 नंबर पे है, तो वो वहाँ पे काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे और सीट जो है फिर बच जाएगी। और सरकार ये सोच रही है कि जो है यहाँ पर हाई मेरिट वालों को भी मौका मिल जाएगा और लो मेरिट वालों को भी जो है मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। होगा वही जो मैं बता रहा हूँ कि हाई मेरिट वाले जो कंफर्म सीट है उसी पे जाएंगे। ठीक है, अब वो चाहे दरभंगा का अगर आदमी है, ठीक है, मान लिया कोई दरभंगा का अभ्यर्थी है जो हाई मेरिट है और दरभंगा जिले में मान लिया वो जो है 20 नंबर क्रमांक पे है। ठीक है, मतलब ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि दरभंगा जिले में मान लिया किसी नियोजन इकाई में जो है वो 20 नंबर क्रमांक पे आ रहा है। ठीक है, और वहाँ मान लीजिए 18 सीटें हैं। ठीक है, 18 सीटें हैं तो अब वो वहाँ का होने के बावजूद भी वहाँ नहीं बैठ सकता। आप कहेंगे क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि उसको अब सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि क्या पता मेरा यहाँ होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि जब एक दिवसीय काउंसलिंग होगी तो हर अभ्यर्थी यही चाहेगा कि मैं अपनी कंफर्म सीट पकड़ लूं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 20 नंबर क्रमांक पे वो अभ्यर्थी है और 18 जो है सीट है मान लिया। ठीक है, तो 18 के अंदर जो लोग कंफर्म है वो तो आएंगे ही आएंगे। अब आप कहेंगे कि हो सकता हो कि उस 18 में जो है बाहरी जिले के भी लोग हों, तो वो 18 में बाहरी जिले के लोग होंगे जो, तो वो देखेंगे कि मेरी दरभंगा में जो है सीट कन्फर्म है। वो जो देखेंगे क्या कि मेरी दरभंगा में जो सीट है वो कन्फर्म है, मैं 18 सीट के अंदर आ रहा हूँ, मुझे वहाँ मिल जाएगा। और वही अभ्यर्थी हो सकता हो जो अपने जिले में हो, वहाँ पर जो है उस सीट से जो है बाहर हूँ, मान लिया उनके यहाँ जो है 10 ही सीट है। एक बात है, ये एग्जाम्पल है और ये काफ़ी रोचक एग्जाम्पल है। मान लिया जिस जिले के हैं वो, मान लिया भोजपुर जिले का कोई कैंडिडेट है, उसका जो है 10 वहाँ पे 10 ही सीट है किसी नियोजन इकाई में। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो 10 क्रमांक से बाहर आ रहा है। ठीक है, मेरिट अच्छी होने के बावजूद भी 10 क्रमांक से बाहर है, और वही अभ्यर्थी जो है दरभंगा में 18 क्रमांक के अंदर है, तो वो आपका जो है भोजपुर जिला वो छोड़ देगा, क्योंकि एक ही दिन काउंसलिंग होनी है, तो बिल्कुल कन्फर्म है कि मुझे नौकरी पकड़नी है, और भोजपुर में बैठेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो 10 सीट से बाहर है, और वहां पर जो है वो 18 सीट के अंदर आ रहा है दरभंगा में, तो उठेगा भोजपुर से जो है दरभंगा चला जाएगा और दरभंगा जाके काउंसलिंग कराएगा। और वही काम जो है जो यहाँ पर जो है 20 क्रमांक पे आ रहा है, 18 सीट के अंदर नहीं आ रहा जबकि दरभंगा जिला का अभ्यर्थी है, तो वो क्या करेगा कि वो ऐसी सीट ढूंढेगा नियोजन इकाई की जहां पर वो उस क्रमांक सीट के अंदर आ रहा हो, यानी कि टोटल सीट में उसका जहां पे क्रमांक आ रहा हो। ठीक है, मान लिया 20 क्रमांक तक है, तो कहीं ऐसी जगह होगी जहां मान लिया 30 सीटें हैं और वो 30 सीट के अंदर जो है वो 20वें क्रमांक पे आ रहा हो या 25वें क्रमांक पे आ रहा हो, तो वो क्या करेगा कि जो है भोजपुर जिला वाला, दरभंगा जिला वाला जो अभ्यर्थी है वो क्या करेगा, उस जिले की जो है सीट पकड़ लेगा। कहने का मतलब यह है कि एक दिवसीय काउंसलिंग मतलब इतना एक ये पेचीदा मामला बन चुका है, अगर इस तरीके से काउंसलिंग कराई जाएगी तो जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी हैं वो यही देखेंगे, बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि वो यही देखेंगे कि मुझे अपनी कन्फर्म सीट जहां मिल रही है वहीं जाएंगे, वो अपने गृह जिला में नहीं बैठेंगे। अगर वो गृह जिला में 2 सीट भी बाहर हैं, 1 सीट भी बाहर है, तो रिस्क नहीं उठाएंगे, वो वही जिले का चयन करेंगे, उसी नियोजन इकाई में जो है कैंप काउंसलिंग में भाग लेंगे जहां पर वो सीट के अंदर आ रहे हों। क्योंकि हो सकता हो कि अगर वो अपने जिला पकड़ने की कोशिश करें जहां पर वो 1 सीट से बाहर हैं, तो वह हो सकता हो कि वहां पर सारे कैंडिडेट आ जाएं, तो फिर वो तो रह गया, फिर तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी जबकि उसकी हाई मेरिट बन रही थी। तो ये जो है सरकार ऐसा सोच रही, शिक्षा विभाग ऐसा सोच रहा है, इसीलिए उसने कोई औपचारिक निर्णय अभी तक एक दूसरी काउंसलिंग पर नहीं लिया है। जो ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये टेक्निकल फॉल्ट जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक दिन में आप सारी काउंसलिंग कंप्लीट कराना अगर सोच रहे हैं और आपको लगता है कि जो है हाई मेरिट वाले भी हो जाएंगे और लो मेरिट वाले भी हो जाएंगे, तो ये कोई संभावना इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि लो मेरिट वाला तो पहले ही वहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि जब जो है 50 सीट है, मान लिया हम कहते हैं 50 सीट है, ठीक है, और किसी अभ्यर्थी का जो है मेरिट जो है 70 बन रहा है, तो 70 मेरिट बन रहा है वहां 50 सीट है, तो वो कहाँ क्रमांक पे होगा, वो 500 क्रमांक पे होगा कहीं जाके, 70 का आप देखिएगा उठा करके तो 500 के अंदर कहीं मिलेगा जा करके, और ज्यादा ज्यादा मिलेगा तो 300 के अंदर मिलेगा, 200 के अंदर मिलेगा, तब पर भी वो वहां पे जो है नहीं जाने का कोशिश करेगा क्योंकि उसकी जो है मेरिट लो है और वो सीट जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष वो जो है ऑलरेडी बाहर है, तो उसको वहां जाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब वो जो है बैठा रहे वहां पे जाकर के और इंतजार करे अपनी बारी का कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, अगर कोई नहीं आता है तब तो उसका लगेगा और अगर कोई आ जाता है तो फिर उसका नहीं होगा। तो सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि एक ही दिन में काउंसलिंग करा के हम कंप्लीट कर लेंगे और हाई मेरिट वालों को भी नौकरी मिल जाएगी और लो मेरिट वालों को भी नौकरी मिल जाएगी, तो मेरे समझ से ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये कन्फर्म है कि हाई मेरिट वाले बंदे अपना गृह जिला छोड़ के जहां भी सीट उनकी कन्फर्म होगी उस सीट के अंदर आ रहे होंगे, वो वहीं पर जाएंगे। ये हमारी तरफ से बिल्कुल हमको बिल्कुल कन्फर्म है कि जिसकी नौकरी यहाँ सुनिश्चित हो रहेगी, जो सीट के अंदर आ रहा होगा वो वहीं जाएगा। ठीक है, वो अपना गृह जिला भी छोड़ देगा, तो इसके अनुसार क्या होगा, जब अपना गृह जिला छोड़ देगा तो उसके गृह जिला में दूसरे जिला के लोग आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये बात कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ इस बात को। अभी आप देख रहे हैं कि जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है, शुरू की जा रही है, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनने वाला है कि जो नियोजित शिक्षक है उनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाए उनके गृह जिला में। तो आखिर ट्रांसफर करने की नौबत क्यों आई, ट्रांसफर करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि ये हाई मेरिट वाले बंदे थे ना जो नौकरी पाए थे सबसे पहले चरण में और दूसरे चरण में, लेकिन यहां पर जो है ऐसी चीजें देखने को मिली। कारण यही था, कारण जो है सबसे बड़ा यही था कि जो भी हाई मेरिट वाले जो बंदे थे उन्होंने क्या अपनी जो है कन्फर्म सीट पकड़ी। अब वो चाहे दरभंगा मिले चाहे अररिया मिले, भोजपुर का व्यक्ति जो है दरभंगा में काम कर रहा है, दरभंगा का व्यक्ति जो है सासाराम में काम कर रहा है, अब उसके ट्रांसफर की नौबत आ गई, क्योंकि यही टेक्निकल फॉल्ट था जो उस समय सरकार नहीं पकड़ पाई।
तो मुझे यही कहना था कि जो है सरकार जैसा सोच रही वैसा होगा नहीं, क्योंकि जो है फाइनल कन्फर्म शीट पकड़ के ही लोग जो है काउंसलिंग में जाएंगे, और लो मेरिट वाले जो है काउंसलिंग से बिल्कुल इस समय जो है बाहर ही रहेंगे। उनको यही नहीं क्लियर रहेगा कि जब मैं सीट से बाहर हूँ, मेरे तो मेरे नियोजन इकाई में उतनी सीट ही नहीं है, तो वहाँ काउंसलिंग नहीं कराएगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी मेरिट कम है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो समझ में आ गया होगा कि एक दिवसीय काउंसलिंग कितनी अच्छी है कितनी खराब है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है सरकार तक पहुँच जाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।